तो यार अगर आप इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट नहीं सुन सकते हो तो इसके लिए मैं लाया हूँ छोटे छोटे पॉडकास्ट। ये वही है, सारे सवालों का एक छोटा जवाब और पूरा जवाब इसी में है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, इस सवाल का तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो आप ये देखिए पॉडकास्ट और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बने रहिएगा हमारे साथ। पहले आदि मानव है कि पहले भगवान है, दोनों इस तरह बताइएगा। एक लॉजिकली जो साइंटिफिक चलता है कि पहले आदि मानव आए, बंदर से बढ़ते बढ़ाए बढ़ते इंसान है, हमने सारे ऐसे आज हम लोग बड़े थ्योरी ऑफ डार्विन। हाँ, थ्योरी ऑफ डार्विन की तरफ से। और एक भगवान की रास्ते पर बताइए। देखिए वास्तविकता में एक बार ऐसे ही बहुत सुंदर घटना आपको बता रहे हैं। हमारे प्रभुपाद से थे, प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी डार्विन तो कहते हैं कि इवोल्यूशन थ्योरी को मानते हैं, जहाँ पहले वो बंदर थे यार, और आप लोग कहते हैं कि हम पहले भगवान थे, हम लोग भगवान से आए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली। प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग अपने परिवार के अपने वह पूर्वजों के बारे में बता रहे, आप डार्विन अपने पूर्वजों के बारे में बता रहे। ये तो एक वैसी बात हो गई क्योंकि अल्लाह क्या देखा जाए। तो वास्तविकता में क्या है कि आप अगर साइंस में उठा कर देखें तो अभी इंडिया में हम लोग डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते हैं, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, खासकर जिस स्टेट में जिस कंट्री में डार्विन की थ्योरी है ना, जहाँ पास उसका क्या है फोर्थ हुआ है डार्विन ने, जिस वहाँ पास डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई हो, वहाँ पास नॉर्मल थ्योरी कुछ ऐसी थ्योरी है ही नहीं इवोल्यूशन से रिलेटेड। उसका रीजन क्या है कि जो डार्विन की थ्योरी है तो अदर कंट्रीज में प्रूफ हो चुकी है कि वो गलत है ना, कोई प्रूफ थ्योरी नहीं है वो। प्रूफ थ्योरी नहीं मतलब कि देखिए साइंस हर चीज़ को प्रूफ नहीं मानता है। कुछ भी थ्योरी आप प्रेजेंट करते हैं तो उसके पहले एक आपको सिस्टमेटिक मैथमेटिकली प्रूफ होनी चाहिए। अरे तो वैसे अगर आप खुद देखेंगे तो डार्विन की थ्योरी पूरी बोगस थ्योरी है। किस तरह से कि आप देखेंगे कि वो बोलते हैं डार्विन कि एक बार अफ्रीकन के जंगल में घास कम पड़ गई तो कुछ घोड़े कूद कूद के करने लगे तो कैतन उनकी लंबी हो गई, और जिराफ मतलब यहाँ पास से सभी जिराफ बन गया। हाँ, इवोल्यूशन हो गया, जीवाणु जिराफ बन गए। एक भारत टाइप का होता था वो समुद्र जाने लगा तो भेल बन गया के? नहीं, इस तरह की थ्योरी है। तो अगर देखें आप अपने लाइफ स्टाइल से पूछेंगे तो जैसे क्या बोलते हैं बंदर थे पहले और बंदर थे धीरे धीरे क्या हुआ आप हो इंसान बन गए, तो आप ये पूछ सकते हैं जो अभी बंदर हैं उनको कितना टाइम लगेगा इंसान बनने में। एग्जैक्टली राइट, नहीं सही क्वेश्चन। और आप लॉजिकल देखेंगे इसको और अच्छा आप देख सकते हैं कि अगर आप आज के सिनेरियो में देखेंगे तो आपको बंदर भी दिखाई देते हैं और इंसान भी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति भी दिखाई देने चाहिए कि जो बंदर है और लेकिन इंसान अब बनने वाले हैं थोड़े समय बाद। नहीं, रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, अभी बंदर थे और ये आज देखो हम देखें क्या सकते हैं क्या कि ये पहले बंदर थे, आप थोड़े समय बाद क्या बन जाएंगे इंसान बन जाएंगे, इंसान बन जाएगा, आदमी दिखना चाहिए, ये चार आदमी दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की कोई प्रूफ थ्योरी नहीं, जैसे बंदर के बॉडी में और इंसान की जो बॉडी है उसमें एक बहुत ही बड़ी जो गैप है वो क्या है जबड़े का, ये जबड़ा होता है जैसे हमारा जबड़ा होता है कुछ लिमिट में ही ओपन हो सकता है, लेकिन बंदर का जबड़ा यहाँ पास से इंच नहीं होता है, वो पूरा फुल्ली अपने मुंह को खोल सकता है ना, यहाँ से हिंज उसके नहीं होते। तो ऐसा कोई भी आज तक मतलब कि एविडेंस नहीं मिला है साइंस को भी जिसमें कि जबड़ा आधा जुड़ा हुआ हो। ओके नहीं, ऐसा कोई भी क्योंकि आप इतनी सारी खुदाइयाँ कर रहे हो, इतने सारे आपको अवशेष मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आपको देखिए उनके होमोसेपियंस के भी आपको अवशेष मिल रहे हैं, जो लोग इंसान के पहले थे बता रहे जिनको आप है ना बंदर के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अवशेष तो नहीं मिल रहे जिसमें देख के आप कह सकूँ कि ये जबड़ा देखिए पहले जुड़ा हुआ था लेकिन अब जुड़ रहा है जबड़ा, नहीं तो ऐसे कोई भी अवशेष नहीं मिले। तो कुल मिला के थोड़ी पूरी बोगस थ्योरी है डार्विन थ्योरी, और हम लोग निश्चित रूप से भगवान से ही आए है ना, पूरा निश्चित रूप से हम लोग भगवान से आए हैं और हम लोग का ओरिजिन भगवान ही है, परम भगवान ही है।